अपने माइनक्राफ्ट के अंदर लेफ्ट हैंड में टॉर्च पकड़ना है। अगर पकड़ना है तो तुम लोग एकदम सही जगह आए हो, क्योंकि मैं पूरा फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे डाउनलोड करना है, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि मैं एकदम सेफ्टी से और अच्छे से तुम्हें बताने वाला हूँ। मैंने सबके मोबाइल में चेक किया है, सबके मोबाइल में वर्क किया है, A to Z पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब शुद्ध हिंदी के साथ बताने वाला हूँ। तो यार एकदम अच्छे से तुम लोग इस वीडियो को देखो, फिर ही तुम लोग समझोगे। 2 मिनट का खेल है, जितने देर में मैगी नहीं बनेगी उतने देर में मैं वर्क बता दूंगा तुम्हें। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, इसलिए 2 मिनट दे दो तुम। वैसे ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर फिर भी तुम 2 मिनट में कर लोगे। तो यार इस वीडियो को देखो, ये जैसा जो जावा एडिशन में होता है और जैसे होता है पीसी में, तो वो तो मोबाइल के अंदर कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो इस वीडियो में बताऊंगा मैं। ये मैं गड्ढा में गिर गया, क्यों गिरा मेरे को पता नहीं है। तो यार देखो इस वीडियो को और मैं बताता हूँ तुम लोगों को कैसे कर सकते हो। अरे पानी में बच जाए यार। हाँ तो मैं रुको, तुम लोगों को स्क्रीन के पास ले जाता हूँ फिर। अरे अरे ये बारिश क्यों होने लगी है? रुको मैं बारिश मिटाता हूँ। देखो जादू से हमारा ये बारिश रुक चुका है। तो ये देखो तुम स्क्रीन के सामने जाओ, वो कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक में आपको क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो इस इंटरफेस में खुलने के बाद आपको इसे डाउनलोड में लगा देना है। इस फाइल का नाम है स्मार्ट टॉर्च। तो ये डाउनलोड में आपका लग जाएगा फटाफट बिना कोई प्रॉब्लम के, तो आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये PDF फाइल। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं, कुछ टाइम लगेगा फिर आसानी से डाउनलोड होगा। तो यार देखते हैं, 1, 2, 3 नहीं डाउनलोड हुआ, उनको डाउनलोड होते हैं। 2000 years later तो आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा हो चुका है डाउनलोड। तो डाउनलोड होने के बाद आपको ओपन नहीं करना है, आपको एक और ट्रिक करना है। क्या करना है आगे देख। तो यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया। तो प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको एक और चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्या डाउनलोड करनी है ये देखो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो सेम टू सेम आपको ऐसे ही सर्च करना है। तो आपको क्या सर्च करना है, ZAR। तो इसको इधर ऑप्शन आ जाएगा, इस जो ऐप है इसे आपको कर लेना है डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन नहीं करना है, एक और चीज़ करना है। क्या करना है आगे देखिए वीडियो में। तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे मेरा फाइल ओपन कर लिया है। तो फाइल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्मार्ट सर्च करना है। स्मार्ट सर्च करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसे कर देना रीनेम। तो रीनेम करने के बाद आपको यहाँ का जिप है, जिप ही हटाना है, आपको जिप को हटा देना है और वाला पॉइंट को भी, और फिर चेंज कर देना। तो चेंज हो चुका है, तो फिर उतना ही काम था, उसके बाद भी आपको करना है। तो क्या करना है आगे देखिए। तो आगे आपको जाना है ZAR, जो आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। तो इधर सर्च करना है आपको स्मार्ट। तो स्मार्ट मैं सर्च कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो इसमें इधर क्लिक करना, फिर माइनक्राफ्ट का ऑप्शन आ जाएगा। माइनक्राफ्ट आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे मेरा हो चुका है माइनक्राफ्ट ओपन। तो इसे हम लोग होने देते हैं ओपन। तो ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग मिलते हैं आप लोगों से जब ओपन हो जाए इसे। 5 minutes later A few moments later, 2000 years later के बाद आपका माइनक्राफ्ट खुद का खुद ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद आपको प्ले नहीं करना है, यहाँ पे 2 फाइल जो रहेगा इसको ऑन रहना है। तो ये 2 बार होगा, तो इसे 2 बार होने दे रहा है स्मार्ट टॉर्च वाला, फिर आपको प्ले करना है। तो मैं फटाक से यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। तो मैंने प्ले कर दिया है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो मेरे पास बीस्ट बॉय सुप का वर्ल्ड और टेक्नो गेमर का वर्ल्ड भी है। तो अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप बोलिएगा मुझे कमेंट में, मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा और लिंक भी भेज दूंगा इस वर्ल्ड का। तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू करना है। तो मैं जल्दी से क्रिएट न्यू, तो फटाक से मैं बना लेता हूँ वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू का ऑप्शन टीपा, फिर क्रिएट न्यू वर्ल्ड। तो उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, फिर आपको जाना है नीचे। नीचे में जाने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, 4 ऑप्शन को आपको कर देना है अनेबल। तो अनेबल मैंने कर दिया, 1, 2, 3, 4 सबको अनेबल कर दिया है। तो इसके बाद आपको रिसोर्स पैक में जाना है, फिर रिसोर्स पैक में जाने के बाद स्मार्ट टॉर्च को एक्टिव कर देना है, फिर नीचे जाना है, नीचे वाला रिसोर्स पैक में जाना है, फिर इसमें भी आपको एक्टिव कर देना है। दोनों साइड एक्टिव करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। फिर आपको क्रिएट कर देना है वर्ल्ड को, तो मैंने क्रिएट कर लिया। तो फिर उसके बाद आप देखिए आगे क्या होता है। फिर आगे आपको फिर से वर्ल्ड बनाना पड़ेगा, फिर आपको 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, दुनिया भर का टाइम लगेगा, मैं नहीं जानता कितना टाइम लगेगा, बस टाइम लगेगा।
तो यहाँ पे मैं वर्ल्ड में आ चुका हूँ। तो वर्ल्ड में आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको टॉर्च को बनाना है, स्मार्ट टॉर्च को। तो फिर आपको पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा। तो क्राफ्टिंग टेबल मैंने बना लिया। पहले तो मैं TPP में चला जाता हूँ, तो यहाँ पे सॉरी FPP में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ FPP में। फिर आपको क्राफ्टिंग टेबल को रख देना है। तो फिर क्राफ्टिंग टेबल को मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रख देता हूँ, कहाँ रखूँ, मैं इसमें भी नौटंकी कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैंने रख दिया है अपने क्राफ्टिंग टेबल को। फिर आपको यहाँ पे आप क्या सर्च भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी नॉर्मल टॉर्च। अगर आप नॉर्मल टॉर्च को इधर रखोगे तो यहाँ बन जाएगी आपकी स्मार्ट टॉर्च। आप सबको दिख सकता होगा, यहाँ पे मैंने स्मार्ट टॉर्च बना लिया है। तो ये देखो, मैं जहाँ इधर मैंने खड़ा करके रखा, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ लाइट आ रही है। ये देखो लाइट आ रही है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ। ये जॉम्बी को मैं ऐसे मार सकता हूँ। रुको, अभी लाइट तो हट गई मेरी। तो रुको, मैं टॉर्च को दोबारा पकड़ लेता हूँ। टॉर्च को ऐसे आप शील्ड में भी रख सकते हैं अपने टॉर्च को। मैं यहाँ पे शील्ड में रखो, देखो एक स्टोन। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ओ ओ, इस एपिसोड में भी नहीं मरना है, मेरे को नहीं मरना है। आप सब देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्मार्ट टॉर्च बना लिया। तो यार देखो, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, अपने घर ही जा रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे लाइट आ रहा है, मेरा घर में तो हजारों लाइट पहले से लगे, इसलिए अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। तो मैं नीचे चले जाता हूँ, बाहर ही में थोड़ा मोड़ा लाइट आ रहा है तो समझ में आ रहा है। ये देखो, मैं कहीं अंधेरे में भी जा रहा हूँ तो लाइट है वो मेरे साथ आ रहा है। और मैं लेफ्ट हैंड में टॉर्च पकड़ा हूँ। देखो कितनी कमाल की बात लग रही है, कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस, ऐसे ही आप लोग ऐसे करके खेल सकते हो PC जैसे, जावा एडिशन जैसा। तो यार आज की वीडियो तो यही थी। और हाँ भाई, एक और बात, अगर आपका ये ला एक बार में वर्क ना करे, आप एक्टिव किए तो एक बार में वर्क नहीं करे तो कभी कभी हो जाता है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इधर थोड़ा मोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस पिक को भी मार के दिखाता हूँ कितना मस्त लग रहा है। तो आपको सेटिंग्स में जाना है और फिर वीडियो में नहीं जाना है, आपको जाना है अपने वीडियो में बिल्कुल नहीं जाना है। तो आपको टच में भी नहीं जाना है, आपको रिसोर्स पैक में जाना है। और फिर जो ये टॉर्च का था, इसे आपको डिसेबल कर देना है, एक बार डिसेबल कर देना है। और फिर इसमें भी एक बार डिसेबल कर देना है, डिसेबल करके फिर से एक्टिव करना है। अगर आप एक बार ये कर देते हो तो ये ला आपका ठीक हो जाएगा, अगर एक बार में काम ना करे। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको बता दिया आपको लेफ्ट हैंड में टॉर्च को कैसे पकड़ना है। आप ऐसे करके निकाल भी सकते हो स्मार्ट टॉर्च को। तो अभी तो मेरे को निकालना नहीं है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।